स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धन ब्रोकर पर जब हम इंट्राडे में किसी भी शेयर को बाय और सेल करते हैं तो वहां पर हमारे लिए कितना रुपए ब्रोकरेज चार्ज के रूप में देना पड़ता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक धन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में धन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, धन हमारे लिए ऐसे बहुत सारे फीचर प्रोवाइड कराता है जिनका यूज करके हम अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आ जाना है आपके लिए अपने धन के मोबाइल एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करोगे, आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब मैं आपके लिए किसी एक स्टॉक्स को हम यहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च बार में आएंगे और यहाँ से जैसे सर्च इसी को ले लेते हैं, कोल इंडिया को हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखाई देगा। हम इसको यहाँ से बाय पे क्लिक करेंगे और बाय पे क्लिक करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे लिए कितने रुपये चार्ज के रूप में पे करने पड़ रहे हैं। हम बाय पे क्लिक करते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसकी एक क्वान्टिटी को ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसकी 10 क्वान्टिटी को बाय करते हैं और हम इसको करते हैं इंट्राडे के लिए बाय करेंगे। तो हम इसको ट्रेडिंग पे ही रहने देंगे, हम इस पर ट्रेडिंग पे रहने देंगे तो जो हमारा स्टॉक है वो इंट्राडे में बाय करेगा। दोस्तों, अगर आपके लिए यहाँ से लेवरेज लेना है तो आप MTF पे क्लिक कर सकते हो और आपके लिए यहाँ पर 2.5x तक का लेवरेज मिल जाता है। आप इन्वेस्टिंग पे क्लिक करोगे तो हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। अब हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा टैक्स एस्टिमेटर का। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो क्वांटिटी है हमारी वो आपके लिए क्वांटिटी दिखाई देगी, 10 क्वांटिटी। किस प्राइस पर बाय कर रहे हैं हम? मार्केट प्राइस पर बाय कर रहे हैं। ट्रेड की वैल्यू क्या है? जो मार्केट किसकी प्राइस चल रही है। ऑर्डर टाइप में आपको देखोगे, यानी कि हम किस तरीके का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो इंट्राडे के लिए हम स्टॉक्स को बाय करेंगे और NSE पर बाय कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो अब आप यहां से देख सकते हो इसका एक्सचेंज का टर्नओवर कितना है, यानी कि जब हम 10 क्वांटिटी को बाय करेंगे तो हमारे लिए कितने रुपए का जो हमारा बाय और सेल होगा वो होगा, बाय होगा 4,485 रुपए का। अब यहां पर जो ब्रोकरेज होगा बाय करने के लिए वो होगा हमारा 1.35 रुपये। एक्सचेंज चार्ज होगा 0.15 रुपये और आप STT हमारे लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना है और GST लगेगी हमारी यहाँ पर 0.27 पैसे। उसके बाद आपको सेवी चार्ज नहीं देने हैं, IPEFT नहीं देना है, क्लियरिंग चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर लगेगी आपकी स्टंप ड्यूटी 0.13 पैसे, DP चार्ज नहीं लगेगा और आप यहाँ पर देखोगे टोटल टैक्स एंड चार्जेज बाय साइड लगेगा 1.90 रुपये। और आपका जो एक्सटीमेट टैक्स एंड चार्जेज आ रहा है ऑन सेल साइड वो आएगा 2.89 रुपये। तो आप यहाँ पर देखोगे आपके लिए यहाँ पर ब्रेक इवन प्राइस भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप इस स्टॉक्स को बाय किया है आपने अभी, और आप अगर आप यहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस पे रहना चाहते हो तो आपके लिए 448.98 पर इसको सेल करना होगा। यहाँ पर आप देखोगे टोटल टैक्स देना पड़ रहा है हमारे लिए 2.89 रुपये। जैसे इसकी अभी प्राइस चल रही है 448.70 रुपये। अगर हम इसको इस पर बाय करते हैं और अगर हम नो प्रॉफिट और नो लॉस पे इसको सेल करना चाहते हैं 448.98 रुपये पर हमारे लिए इस शेयर को बेचना होगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि 2.89 रुपये का हमारे लिए यहां पर ब्रोकरेज चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, ये है धन पर जब हम इंट्राडे में स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर 2.89 रुपये का जो टैक्स है, चार्जेज हैं, वो देने पड़ेंगे। जब हम सेल करेंगे सेल साइड पर भी हमारे लिए सेम इतने ही चार्जेज को देने पड़ेंगे। तो जो टोटल हमारा हो जाएगा वो 2.89 रुपये प्लस 2.89 रुपये जब हम स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब हम धन पर इंट्राडे में स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं तो कितने रुपए हमारे लिए टैक्सेस के रूप में पे करने पड़ते हैं।